सो हे गाइज एंड वेलकम बैक टू गुजराती ट्रेडर, केम छो बदा, मजामा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग बात करने वाले हैं मेरी जर्नी के बारे में, जो 2023 में कैसी रही, एंड हमारे प्लान्स जो मैं रोड मैप फॉलो करने वाला हूँ अपने आने वाले ईयर 2024 के लिए, कि मैं अपनी ट्रेडिंग को यहाँ पे नेक्स्ट लेवल कैसे ले जाऊँगा। तो मैं आपके साथ भी ये मेरा रोड मैप जो मैंने बनाया हुआ है वो आपके साथ भी मैं शेयर करूँगा आज के वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए एंड पहले सबसे पहले लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलो भाई देखो, पहले हम लोग बात कर लेते हैं मेरा 2023 ईयर कैसा रहा। तो मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छे हम लोग ने ब्रेकआउट स्टॉक्स यहां पे ढूंढे एंड ट्रेड किए वन बाय वन, एंड बहुत ही अच्छा इस ईयर रिटर्न हम लोग बोल सकते हैं तो जनरेट किया है इस मार्केट से। एंड 2023 ईयर तो मेरा बहुत ही अच्छा गया, एंड इसीलिए यहाँ पे मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया। मैं भी सोच रहा था कि मेरे को कोई ऐसा अच्छा सिखाने वाला मिल जाए कि मेरे को रोड मैप दे दे कि मेरे को सिर्फ इतना ही करना है तो मैं यहाँ पे प्रॉफिटेबल या तो सक्सेसफुल हो सकता हूँ ट्रेडिंग में। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपके साथ यूट्यूब चैनल चालू किया। तो यहाँ पे हम लोग नॉलेजेबल वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो ऐसा था मेरा 2023 ईयर। हमारा यूट्यूब चैनल भी अच्छा ग्रो कर रहा है एंड अपना रिटर्न भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा ग्रो किया। तो चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग, अपना 2024 का क्या प्लानिंग है। तो जैसे कि मेरे पास 5 पॉइंट्स है मेरी प्लानिंग में, तो मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है क्वालिटी ट्रेड्स। तो यहाँ पे मेरा प्लान है 2024 में कि हम लोग फाइंड करेंगे ओनली क्वालिटी ट्रेड्स। अपने को क्वांटिटी नहीं चाहिए, अपने को क्वालिटी ट्रेड्स चाहिए कि जो अपने को अच्छा पैसा यहाँ पे रिटर्न जनरेट करके दे सके, एंड बहुत ही अच्छा परसेंटेज वाइज बोले तो रिटर्न जनरेट कर सके हम लोग। तो चलिए बात करते हैं, मूव ऑन टू नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट की मैं बात करूँ, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया कि क्वालिटी ट्रेड करना है, तो इस हिसाब से सेकंड पॉइंट भी यही है कि लेस नंबर ऑफ ट्रेड मैं यहाँ पे करने वाला हूँ इस ईयर, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स ढूंढूँ एंड उसी में इन्वेस्ट करूँ जिसमें मेरे को हाईली पोटेंशियल दिख रहा है, मेरे को अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है। जैसे कि फर्स्ट बोला कि क्वालिटी मैटर करनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं, तो इस हिसाब से मैं क्वांटिटी भी थोड़ी ही रखूँगा कि यहाँ पे हम लोग लेस नंबर्स ऑफ ट्रेड लें एंड जो लें वो अच्छे परफॉर्म करें। तो चलिए बात कर लेते हैं अभी थर्ड पॉइंट के बारे में। जो थर्ड पॉइंट है वो है रिस्क रिवॉर्ड। तो मेन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग में यही है, रिस्क इज टू रिवॉर्ड, कि अपना आप लोग कितना रिस्क ले रहे हो उसके सामने रिवॉर्ड कितना मिल रहा है आपको। तो मेन फोकस ये भी होगा मेरा कि रिस्क इज टू रिवॉर्ड हम लोग का अच्छा मेंटेन करें। मैं इस ईयर प्लान कर रहा हूँ 1:3 ऑल ट्रेड्स में मैं यहाँ पे रखूँ कि जितना परसेंटेज का रिस्क लूँ उससे 3x का मैं रिटर्न लूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी ट्रेड में 10% का रिस्क ले रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे, तो मैं उससे ज़्यादा कमाऊँ, 30% तो मिनिमम कमाऊँ, क्योंकि मैं 10% अपना रेडी रख रहा हूँ लूज़ करने के लिए। तो उससे रिटर्न में हम लोग 30% तो यहाँ पे गेन करें, क्योंकि अपना 3 ट्रेड लॉस में चला जाए तो अपन ब्रेक इवन में तो रहे। इसीलिए मैं रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे अच्छा मेंटेन करके चलूँगा 1:3। तो चलिए बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट भी सबसे जुड़ा ही है पोजिशन साइजिंग। तो इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा एक सेट डिसाइडेड कैपिटल है कि मैं इतना राउंड फिगर में कैपिटल लेके आऊँगा कि जितना मैं काउंट कर सकूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पकड़ लेते हैं किसी का 1 लाख से यहाँ पे कोई भी शुरू कर रहा है, तो उसकी पोजीशन साइजिंग क्या होनी चाहिए एक ट्रेड में। तो मैंने इस बार रखा है अपना कि अपना जो एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज़ है, तो उसका 1% अपने को रिस्क लेना है, मीन्स 1000 रुपीज़ का अपने को पर ट्रेड पर रिस्क लेना है, मैक्सिमम 2000 का, 1-2% का अपना फुल कैपिटल पे आप लोग रिस्क ले सकते हो कोई ट्रेड में। जैसे हम लोग बात करें कोई ट्रेड में टेक्निकल एनालिसिस बेसिस पे 10% का अपना रिस्क बैठ रहा है, मीन्स स्टॉप लॉस बैठ रहा है, तो उस ट्रेड में हम लोग मैक्सिमम 1000 का रिस्क लेंगे। फिर हम लोग क्वांटिटी 1000 डिवाइडेड बाय जितना पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस रह रहा है उस हिसाब से हम लोग क्वांटिटी लेंगे 10% का रिस्क। इसलिए 10,000 एक ही ट्रेड में इन्वेस्ट करेंगे, उससे ज़्यादा हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। 1-2% कैपिटल ही हम लोग रिस्क पे लगाएंगे अपने एक पर ट्रेड में, उससे ज़्यादा मैं लगाने नहीं वाला हूँ इस बार। तो चलिए बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में। तो फिफ्थ पॉइंट है अपना स्टॉप लॉस या तो टारगेट। अगर मैं बात करूं तो मैं ट्रेड लूंगा उससे पहले मेरा स्टॉप लॉस डिसाइड होगा एंड उससे पहले अपना टारगेट डिसाइड होगा कि मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ले रहा हूँ इतना, तो 1:3 अपना टारगेट यही रहेगा। तो उस हिसाब से मैं ट्रेड लूंगा एंड वो ट्रेड को अपने चलने दूंगा, भले भी कितना टाइम लग जाए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, बट मैं उस ट्रेड को होल्ड करूंगा जब तक यहाँ पे टारगेट नहीं आ जाता या तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 2023 में मैंने यहाँ पे मिस्टेक भी की है कि कोई ट्रेड नहीं चल रहा है तो मैं उसको निकाल देता था, बट उसके बाद वो ट्रेड यहाँ पे बहुत ही अच्छा चल जाता था। अगर मैं बात करूँ तो एक जो स्टॉक था, मैं नाम नहीं बताना चाहता, बट वो मेरे स्टॉप लॉस से थोड़ा ही बचा था 1-2% के,
बट मार्केट तभी गिर रही थी इसलिए मैंने निकाल दिया कि यहाँ पे एक से दो परसेंट मीन्स थोड़ा बहुत 200-300 बचे, तो उस हिसाब से मैंने निकाल दिया वो ट्रेड। बट वो कभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, आज के दिन पे वो टारगेट हिट किया, इसीलिए मैंने यहाँ पे ठान लिया है कि अभी स्टॉप लॉस होगा या तो टारगेट होगा, उससे पहले मैं नहीं निकलने वाला हूँ, कोई भी ट्रेड से एग्जिट नहीं मारूंगा, कुछ भी हो जाए, मार्केट ऊपर चला जाए या तो नीचे चला जाए। तो ये 5 पॉइंट थे मेरे हिसाब से कि मैंने 2023 में थोड़ी बहुत मिस्टेक की, वो इस ईयर में मिस्टेक ना करूं, एंड कंसिस्टेंसी हम लोग प्रॉफिट जनरेट करते रहें एंड अच्छे परसेंटेज वाइज रिटर्न जनरेट करते रहें, एंड अपने भगवान का भी अपने साथ साथ होगा एंड अपने यूट्यूब चैनल भी अपनी ग्रो करेगी, एंड ऐसे ही हम लोग नॉलेजेबल वीडियोज़ आपके साथ भी शेयर करते रहेंगे। एंड मैं वादा करता हूँ जो भी वीडियो आएगा कुछ ना कुछ नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे आप लोग स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो, क्या स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो, क्या टारगेट डिसाइड कर सकते हो, एंड कुछ भी हो आप लोग को मुश्किली स्टॉक वाइज नहीं कुछ भी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, एंड कुछ भी फीडबैक दो कैसा लगा वीडियो, प्रोडक्शन कैसा है अपना, हाई क्वालिटी है, लो क्वालिटी है, माइक से आवाज़ बराबर आ रहा है, तो आप ये भी कमेंट कर दो कि अपना क्या क्या अपने को सुधारने की ज़रूरत है इस वीडियो में, तो वो भी हम लोग ध्यान देंगे, एंड आने वाले टाइम में आपके साथ अच्छे वीडियोस शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपका भी 2024 ईयर बहुत ही अच्छा जाए, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड बाय बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।